हेलो शेफ। हाय, नमस्कार। नमस्कार शेफ, नमस्कार। क्या बना रहे हो शेफ आज? मैं अलीबाग का एक फेमस डिश है जो कुमड़ी बड़े बोलते हैं, वो बना रहा हूँ। अरे वाह, एंड आई हैव हर्ड इट्स क्वाइट पॉपुलर आपके यहाँ पे रिसॉर्ट में। यस, ट्रेडिशनल एंड वेरी हॉट सेलिंग आइटम्स। अरे वेरी नाइस शेफ, एक काम कीजिए, मेरे को ये रेसिपी सीखना है। वैसे मैंने बहुत बार खाया बट घर पे कभी बनाया नहीं है, तो मैं ये मिस नहीं करना चाहता आपके साथ। मैं देखना चाहता हूँ एक एक इंग्रेडिएंट जो आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हो, तो मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ। बस ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स शेफ। हेलो गाइज, आई एम अफराज एंड वेलकम टू शेफ जे आउट सीजन 2। आई एम एट अलीबाग एट यू ट्रॉपिकाना रिसॉर्ट और मेरे साथ है शेफ विष्णु, द एग्जीक्यूटिव शेफ, और आज ये शेयर करने वाले हैं इनकी यहाँ की सबसे पॉपुलर रेसिपी कुमड़ी बड़े। तो स्टार्ट करें? हाँ डेफिनेटली। पहले हम लोग चिकन करी बनाएंगे, यहाँ पे जो चिकन का रस्सा बोलते हैं वो बनाएंगे, उसके बाद वड़े बनाएंगे। सो बेसिकली कुमड़ी वड़े चिकन करी होता है एंड इट इज सर्व्ड विथ वड़ा। okay, एक डो होता है जो आपने ऑलरेडी बना के रखा है, राइस फ्लोर का, राइस फ्लोर एंड सम स्पाइसेस। हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे और मैं यहाँ देख सकता हूँ आपने कुछ रोस्ट करके रखा हुआ है। हाँ, ये पेस्ट बना के रखा है, ये सब कुछ ये ड्राई कोकोनट को फ्राई किया है, उसका पेस्ट बना के रखा है। ओके, सो इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें ड्राई कोकोनट है फ्राई किया हुआ, और ऑनियन है कैरामल टाइप का, वो बना के रखा है। okay, उसके साथ कोरिएंडर सीड है और थोड़ा सा बे लीफ्स, काली मिर्च है, काली मिर्च, वो सबको पेस्ट बनाया है जी विद लिटिल वाटर जी। ओके, तो ये हमारा बेस है ग्रेवी का। ऑलमोस्ट ऑयल गर्म हो चुका है। ओके शेफ, हम लोग इसमें पहले सबसे पहले ऑनियन डालेंगे, चॉप्ड ऑनियन बारीक कटा हुआ। सो ऑनियन इसमें भी है और हम एक्स्ट्रा भी यूज़ कर रहे हैं ताकि एक हल्का सा क्रंच मिले जी, राइट। इसको भूनते रहेंगे जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन कलर का ना हो। ओके ठीक है, और यहाँ पर चिकन मैं देख रहा हूँ आपने पका के रखा है जी, प्री कुक है वो, उसमें थोड़ा सा मैरिनेट करके, मतलब थोड़ा सॉल्ट डाला हुआ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल के उसको कुक करके रखे हुए ताकि हमें जल्दी से जल्दी। सो बेसिकली हम जब भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स में खाना बनाते हैं सो वी प्लान आवर सेल्फ, तो ये जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी कुक करके रखा है, बट अगर शेफ घर पे अगर बनाना हो इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। इन्होंने जो मसाले बताए उसमें आपको मैरिनेट करके रखना अपना चिकन, एंड व्हेन वी आर एडिंग दिस यू कैन ऐड द रॉ चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ साथ हम लोग सब जितने भी स्पाइसेस हैं, पाउडर स्पाइसेस, वो सब डालेंगे। क्वांटिटीज आप बता देना। हाँ, थोड़ा थोड़ा। सो हमने अनियन को ब्राउन किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अब डाल रहे हैं थोड़े मसाले, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी वेरी लिटिल, और धनिया पाउडर ऑल्सो, दैट्स इट जी। अब मसाला भी पूरा रोस्ट हो चुकी है, अभी इसमें हमें ये इसका पेस्ट बना के रखे हैं जो कोकोनट का, वो डालेंगे ये वाला। सो ये पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल देते हैं। 3 स्पून डालेंगे। ओके, तो ये महाराष्ट्र रेसिपी है, काफ़ी पॉपुलर जी वड़े। ये बेसिकली महाराष्ट्र का कोंकण रीजन का रेसिपी है, कोंकण रीजन का कोस्टल, और अलीबाग में बहुत फेमस है। तो आप जब अलीबाग आओ और इस रिसोर्ट में आओ तो शेफ के हाथ का कुमड़ी वड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मसाला भी अच्छी तरह से मतलब रोस्ट हो चुकी है। ओके, अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के हल्का सा करी टाइप का। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से पक रहा है, ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। सॉल्ट डाल दूँ शेफ जी, और उसके बाद चिकन डालेंगे हम लोग। ओके, अच्छा शेफ मुझे बताइए जो वड़े इसके साथ सर्व होते हैं उसका डो आपने यहाँ तैयार करके रखा है, सो इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइस फ्लोर लेना जरूरी है। राइस फ्लोर, इसमें हम लोग एक मसाला बनाते हैं जो कि उसमें बड़ी सौंफ रहता है, बड़ी सौंफ। ओके, सो ये वो मसाला है जी, बड़ी सौंफ और मेथी सीड, उसके बाद मतलब उसमें कोरिएंडर सीड रहता है, उसको लाइटली रोस्ट करते हैं पाउडर करके, हल्दी के साथ मतलब ये पानी गर्म करते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी रहती है। ओके, और उसको बॉइलिंग वाटर को जिससे उकड़ के कहा जाता है, राइस फ्लोर के ऊपर डालते हैं और स्पून से उसको स्टर करते हैं। सो बेसिकली मोदक या भाकरी का डो जैसे बनता है उसी तरह से इन्होंने ये डो बना के रखा है वड़े का। एंड ये जो स्पाइसेस में इन्होंने बताया, इन्होंने डाला है फेनल, सौंफ, कोरिएंडर सीड्स एंड मेथी, फेनुग्रीक सीड्स, उसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है और उसका पाउडर बनाना है। और ये कितना जाता है शेफ ये डो में? ये चम्मच के दो चम्मच जाएगी, मतलब अराउंड 2 टेबल स्पून। तो इससे शेफ हम वड़े बनाएंगे जी। तो आपने चिकन ऐड कर लिया है जो प्री कुक था, ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, अभी इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, नाइस,
फ्रेशनेस के लिए जी. Now it is almost done. It is almost done. Yes. ठीक है शेफ. And finally we'll be putting one wedges of lemon juice. Okay. So हल्की सी खटास लास्ट में नींबू से. अभी चिकन पक गया है. Okay. Ready to serve. So it is semi dry. Basically जो आप उसका जो बड़े कितने लेते हो depend on उसके ऊपर रहता है. Okay sir. कि आप थोड़ा सा करी भी बना सकते हैं. Okay. Since हम लोग only बड़े use कर रहे हैं तो. So it totally depends upon you. अगर आपको ग्रेवी थिक रखनी है आप थिक रख सकते हो और else you can add water and make it thin. ये रेडी है अभी हम बनाएंगे वड़े. So मैं इस साइड आ जाता हूँ शेफ. So इसे प्लास्टिक के एक फ्लेम पे बनाना है शेफ हमें जी. ओके पहले इसको जैसे पूरी के हम लोग डो बनाते हैं वैसे टाइप के गोली बनानी है. ओके शेफ इसको दोनों लीफ के बीच में प्रेस करनी है. सो बेसिकली थाली पीट जैसा बनाते हैं हम जी. और इसे विदाउट सूखा आटा लगाए हमें रोल करना है. वेल गर्म हो चुकी है डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं. तो ये इस तरह से फूलेगी जी. वाओ लुक एट दिस. तो हमारे वड़े भी रेडी है शेफ. चिकन भी रेडी है. चिकन भी रेडी है. चलिए अभी इसका हम प्लेटिंग करेंगे. वेरी नाइस शेफ. काफ़ी बार मैंने इसे खाया बट आज आपसे सीखने का मौका भी मिला. सो आई एम गोइंग टू डाइव इन. आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. टोटली अमेजिंग शेफ. थैंक यू सो मच. सो मैं तो इसे इंजॉय करता हूँ. फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपी कीप वॉचिंग शेफ जे आउट ऑन संजीव कपूर खजाना. शेफ आप भी ट्राई कीजिए.